तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पर शहर पूरा देशभक्ति में डूबा हुआ है। भारत को आजाद हुए आज पूरे 72 साल हो गए हैं। आज सिरसा तहे सिरसा शहर में भी आज़ादी को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा शहर किस तरह से आज़ादी के पोस्टर से लहरा रहा है। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के जितने भी नेता हैं, किस तरह से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन किसी की अभी तक नज़र नहीं पड़ी है शहर के इस चौक के इस शहीद पर। जी हाँ, ये वही शहीद है। इसका नाम है अमर शहीद श्री कृष्ण कुमार सैनी। सिरसा के एकमात्र ऐसे शहीद है जो कारगिल में शहीद हुए थे, और उन्हीं की याद में 2001 में अजय सिंह चौटाला ने यहाँ पर प्रतिमा बनाई थी। लेकिन इनकी इस प्रतिमा पर कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की एक भूल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन शहीद के हाथ में ये फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है, और इस तिरंगे की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे शहर को तिरंगे से सजाया जा रहा है, लेकिन इस शहीद के हाथ के तिरंगे की तरफ किसी ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस सरकार की या फिर ये कहूँ कि प्रशासन की किस तरह की भूल सामने आ रही है। प्रशासन इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ही राहगीर निकल रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे बाद अब कितनों की नज़र इस तिरंगे पर पड़ी है। मेरा नाम हैप्पी कुमार है, सिरसा से हूँ। साफ नज़र आ रहा है कि तिरंगा झंडा यहाँ जो लगा हुआ है वो फटा हुआ है, ठीक है, और इसका बिल्कुल प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आपको क्या लगता है, ये अपमानजनक बात है? बिल्कुल क्यों नहीं है। देखो, स्टेडियम में आज, स्कूलों में, ठीक है, और कई जगहों पे आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि यहाँ पे भी तिरंगे झंडे का मतलब अपमान ना करते हुए इसे सही तरीके से लगाया जाए। ये बड़े दुख की बात है। तो फिर देखा आपने किस तरह से राहगीरों की भी यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से तिरंगे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, तिरंगा फटा हुआ है, ये एक अपमानजनक बात है यहाँ के शहीदों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो LOC पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं।